हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल, जिसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग बात करेंगे एंट्रोपी के फॉर्मूले की। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था किसके बारे में, एंट्रोपी के बारे में। सो एंट्रोपी की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो एंट्रोपी क्या होता है? इट इज़ अ मेजर ऑफ रैंडमनेस। क्लियर है, ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लेकिन जब मैं बात करती हूँ एंट्रोपी की इन मैथमेटिकल टर्म्स, मतलब अगर मैं बात करती हूँ एंट्रोपी के फॉर्मूले की, तो डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई टी, एंड दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी। ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब टेम्परेचर क्या है, कॉन्स्टेंट। और ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं है। क्लियर है? क्यू क्या है आपका? चेंज इन हीट। किसी भी सिस्टम की जो चेंज इन एंट्रोपी है, किसी भी सिस्टम की जो चेंज इन एंट्रोपी है वो किस पर डिपेंड करती है? कि जो सिस्टम है वो हीट गेन कर रहा है या हीट लूज कर रहा है। तो अगर सिस्टम हीट गेन करेगा तो कैसा होगा? पॉजिटिव। और अगर वहीं पे कोई पर्टिकुलर सिस्टम हीट लूज करेगा तो वो कैसा होगा? नेगेटिव। तो ये आपके मेजर दो फॉर्मूले हैं। कंडीशन क्या है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है सो डी एस का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी। और अगर मैं डी एस का इंटीग्रेशन करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? डेल्टा एस, दैट इज एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी। क्लियर है? अब अगर मैं बात करती हूँ यूनिट ऑफ एंट्रोपी के बारे में, सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई टी, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल, और टेम्परेचर की केल्विन। बट ऐसा मत बोलना, रीजन क्योंकि एंट्रोपी को जो हम लोग मेजर करते हैं ना, वो मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोल। एंट्रोपी को मेजर किया जाता है पर मोल के बेसिस पे। रीजन क्या है? रीज़न ये है कि एंट्रोपी आपकी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो किस पे डिपेंड करती है, जो डिपेंड करती है मास पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, या फिर नंबर ऑफ मोल्स पे। तो अगर मैं बात करती हूँ एंट्रोपी की यूनिट की तो वो क्या हो जाएगा? डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एन टी। तो डेल्टा क्यू की यूनिट होगी जूल, और नंबर ऑफ मोल्स किसे मेजर करते हैं? मोल में, और टेम्परेचर केल्विन में। तो ये क्या आ जाएगा? जूल पर मोल केल्विन। क्लियर हुआ? इसी वजह से हम एंट्रोपी को किससे मेजर करते हैं? मोल में। ठीक है, कि एक मोल में कितनी एंट्रोपी है या दो मोल में कितनी एंट्रोपी होगी। इसकी और भी यूनिट हो सकती है, एक तो हो गया आपका जूल पर मोल केल्विन, कैलोरी पर मोल केल्विन, और अर्ग पर मोल केल्विन। क्लियर हुआ? तो अब आप हमेशा यही कहोगे कि एंट्रोपी को हम लोग किस में मेजर करते हैं? जूल पर मोल केल्विन में। क्लियर हो गया? अब तो कोई डाउट नहीं। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंट्रोपी को मैथमेटिकली मेजर करने के दो फॉर्मूले थे, कौन कौन से? एक तो था आपका डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई टी, दूसरा था डेल्टा एस डी क्यू बाई टी। ये फॉर्मूला तब था जब टेम्परेचर कांस्टेंट था, और ये फॉर्मूला तब है जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। बट ये दोनों फॉर्मूले हर जगह अप्लाई नहीं हो सकते, ये दोनों फॉर्मूले हर जगह अप्लाई नहीं हो सकते। अगर मैं बात करी हूँ आइसोलेटेड सिस्टम की, तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? अलोन, अकेला, जिसका कोई साथी वाथी नहीं है। ठीक है, अगर सिंपल टर्म्स में कहूँ तो यहाँ पे जो हीट एक्सचेंज होगा वो क्या होगा? जीरो। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है ना हीट एक्सचेंज होगा ना मास एक्सचेंज होगा। क्लियर है? अगर यहाँ पे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लूँ, मेरे पास दो गैसेस हैं, ये हो गया गैस ए एंड दिस इज गैस
बी। और यहां पर हमने एक वॉल्व लगा दिया इन दोनों गैसेस को सेपरेट करने के लिए। यहाँ पे सिर्फ ए गैस के मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे सिर्फ बी गैस के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। और इसकी जितनी भी बाउंड्रीज हैं वो कैसी हैं, जितनी भी बाउंड्रीज हैं वो कैसी हैं, इंसुलेटिंग है। तो अगर बाउंड्रीज इंसुलेटिंग है तो हीट एक्सचेंज क्या हो जाएगा, जीरो। हीट एक्सचेंज इक्वल्स टू जीरो, मतलब ना अंदर की हीट बाहर जाएगी ना बाहर की हीट अंदर आएगी, क्लियर हुआ। तो Q इक्वल्स टू जीरो, समझ में आया। लेकिन आफ्टर रिमूविंग द वॉल्व, इन दोनों गैसेस को जो सेपरेट कर रहा है, गैस ए के मॉलिक्यूल्स और गैस बी के मॉलिक्यूल्स को जो वॉल्व सेपरेट कर रहा है, अगर मैं उसको हटा दूं तो क्या होगा, तो दोनों गैसेस मिक्स हो जाएंगी। यहाँ पे कुछ गैस ए के भी मॉलिक्यूल्स होंगे और यहाँ पे कुछ गैस बी के भी मॉलिक्यूल्स होंगे और यहाँ पे भी कुछ गैस ए के मॉलिक्यूल्स होंगे और कुछ गैस बी के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यही तो वैल्यू होती है। अब इंसुलेटिंग है, हीट एक्सचेंज होगा नहीं, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो ओवरऑल डेल्टा एस क्या आ जाएगा, जीरो। बट ये गलती मत करना, ये गलती पेपर में मत करना, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम के केस में, आइसोलेटेड सिस्टम के केस में जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी की जो वैल्यू है वो हीट डिसाइड नहीं करेगा। आइसोलेटेड सिस्टम के केस में एंट्रोपी की जो वैल्यू है वो हीट डिसाइड नहीं करेगा, हम हीट की वैल्यू को कंसिडर ही नहीं करेंगे। रीजन, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे जब वॉल्व लगा था, जब गैस के मॉलिक्यूल सेपरेट थे ए और बी के, और जब हमने वॉल्व रिमूव किया तो जो रैंडमनेस थी वो क्या हुई, वो इंक्रीज हो गई, यस और नो। तो अगर रैंडमनेस इंक्रीज हुई है तो जो आपका एंट्रोपी चेंज है वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, यस और नो। एंट्रोपी चेंज विल बी ग्रेटर देन जीरो। और ये प्रोसेस कैसा होगा, ये प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस, क्योंकि ये खुद से हो रहा है। ये प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। तो मैं ये कह सकती हूं डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन जीरो। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि मैम हम इसमें सराउंडिंग की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो सराउंडिंग की बात इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम की बात की गई है, और वो भी कैसा है, जो सिस्टम है वो कैसा है, वो आइसोलेटेड है, तो सराउंडिंग से तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो हम क्यों उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ किसकी बात की जाएगी, सिस्टम की एंट्रोपी की, ठीक है। तो अगर वो प्रोसेस खुद से हो रहा है तो कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस, एंड दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो, क्लियर हुआ। तो मैंने अभी आपको जितनी भी कहानी बताई वो किसके बारे में बताई, आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में, और इस चीज़ का ध्यान रखना आइसोलेटेड सिस्टम के केस में हम ये दोनों फॉर्मूले यूज नहीं करेंगे। अंडरस्टूड, क्लियर है। अब अगर मैं बात करती हूँ किसकी, नॉन आइसोलेटेड सिस्टम की, तो जब मैं बात कर रही हूँ नॉन आइसोलेटेड सिस्टम की, तो यहाँ पर सिस्टम के साथ साथ किसको कंसिडर करेंगे, सराउंडिंग्स को। सिस्टम के साथ साथ किसको कंसिडर करेंगे, सराउंडिंग्स को भी, क्योंकि इसमें हीट एक्सचेंज पॉसिबल है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो एंट्रोपी चेंज होगा सिस्टम में, और जो भी एंट्रोपी चेंज आएगा सराउंडिंग में, वो किसके इक्वल होगा, टोटल चेंज इन एंट्रोपी के, यस और नो, क्लियर है। और यहाँ पे जो आपका टोटल चेंज इन एंट्रोपी है, इसको हम लोग एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स भी कहते हैं, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एंट्रोपी चेंज इन सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग इक्वल्स टू एंट्रोपी चेंज इन यूनिवर्स,
क्लियर है, चाहे टोटल बोलो चाहे यूनिवर्स बोलो, एक ही मतलब है, कोई डाउट आप तो कोई डाउट नहीं है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूँ, मान लो कोई प्रोसेस है जो स्पॉन्टेनियस हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स पे या टोटल चेंज इन एंट्रोपी पे, किसी सिस्टम या सराउंडिंग पे डिपेंड नहीं करेगा, वो टोटल चेंज ऑफ एंट्रोपी पे डिपेंड करेगा या एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स पे डिपेंड करेगा। समझ में आई चीजें, क्योंकि यहां पे नॉन आइसोलेटेड सिस्टम में जो सिस्टम है उसका इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है, सराउंडिंग के साथ हो रहा है। तो मैं ये भी कह सकती हूं कि जो आपका डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स होगा, वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो वो एक ही तरफ चल रहा है, उसको किसी हेल्प की जरूरत है ही नहीं, उसका जो मूवमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि अगर यूनिवर्स का जो एंट्रोपी चेंज है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो प्रोसेस कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस, और अगर स्पॉन्टेनियस है तो उसका मूवमेंट क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में, यस और नो हो रहा है, तो हम इसको कैसा बोल देंगे, इररिवर्सिबल। एंट्रोपी में जो चेंज आ रहा है यूनिवर्स में, दैट इज ग्रेटर देन जीरो, लेकिन कैसा, इररिवर्सिबल, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो। क्लियर हो गया, अब तो कोई डाउट नहीं। तो अगर मैं जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, उसके कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग बात करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम की, तो आइसोलेटेड सिस्टम के केस में हम लोग सिर्फ सिस्टम की एंट्रोपी के बारे में बात करेंगे, और वो भी दोनों फॉर्मूले पर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर हो गया। दूसरा, जब मैं बात कर रही हूँ नॉन आइसोलेटेड सिस्टम की, तो नॉन आइसोलेटेड सिस्टम के केस में जो एंट्रोपी होगी वो सिस्टम पे भी डिपेंड करेगी, सराउंडिंग पे भी डिपेंड करेगी। तो हमें कौन सा एंट्रोपी चेंज लेके चलना है, हमें टोटल चेंज इन एंट्रोपी लेके चलना है, जो सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी का सम होगा, और उसी को हम लोग यूनिवर्स की एंट्रोपी भी कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, अब यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है, एग्जाम्पल ये है कि जो आपका H2O लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O सॉलिड में, आइस की फॉर्म में है। तो इस केस में जो हीट है वो क्या होगी, रिलीज होगी, और हमने एज्यूम कर लिया है कि जो आपका टेम्परेचर है वो कैसा है, कांस्टेंट है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, ये एक एजम्पशन है, ठीक है, समझाने के लिए बता रही हूँ। तो अगर हीट रिलीज करी तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अगर Q की वैल्यू नेगेटिव है तो जो चेंज इन एंट्रोपी होगी सिस्टम की वो भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, मतलब डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज लेस देन जीरो, यस और नो। तो फिर तो ये प्रोसेस होगा ही नहीं, लेकिन ये प्रोसेस होगा, ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल होगा। क्यों होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ सराउंडिंग, क्योंकि जो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग है दैट इज मच मच ग्रेटर देन जीरो। तो यहां से मैं कह सकती हूं डेल्टा एस ऑफ टोटल क्या हो जाएगा, या डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। क्लियर हुआ। अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं ये प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, तो अगर मैं बात करी हूँ टेम्परेचर की, तो -1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये जो प्रोसेस है खुद से हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा ये प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस। तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा उसकी भी कंडीशन होती है, वो कंडीशन से बता सकते हैं। अगर -1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो ये प्रोसेस खुद से हो जाएगा, वहीं पर अगर हमने टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ले लिया तभी प्रोसेस कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है, समझ में आया। तो किसी भी प्रोसेस का या किसी भी रिएक्शन की जो स्पॉन्टेनिटी है वो कौन डिसाइड करेगा, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन जीरो, ये डिसाइड नहीं करेगा।
दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, वो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम ग्रेटर देन जीरो ये चीज़ डिसाइड नहीं करेगा। तो कौन सी कंडीशन डिसाइड करेगी? डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स और डेल्टा एस ऑफ टोटल अगर ग्रेटर देन जीरो है तो कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। समझ में आया? सिस्टम की एंट्रोपी, सिस्टम की एंट्रोपी स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती। टोटल एंट्रोपी सिस्टम की स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन कर सकती है। कहने का मतलब बस इतना है, कट एंड शॉर्ट में। क्लियर है? सो ये जो लेक्चर था ये थोड़ा थ्योरेटिकल था, बट फ्रॉम द जेई एंड नीट बोथ द पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं ना, सिस्टम की एंट्रोपी, सराउंडिंग की एंट्रोपी और इन पे कैलकुलेशन होती है, उसके रिगार्डिंग ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।